बच्चे ये कीमत देते हैं या नहीं। और जो परियोजना प्रश्न है वो है कि राजकीय इंटर कॉलेज बिजटी के 11 और 12 के जो छात्र हैं उनको संबंधित जो साहित्य हमने लिया है ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत दिए गए जो उपभोक्ता के अधिकार हैं उसमें से हमने इसे लिया है। और जो यहाँ पर शब्द विशेषित इंगित किए गए हैं जैसे उपभोक्ता जागरूकता अक्सर नहीं होता है तो ये है। और अधिकतम जो खुदरा मूल्य है एमआरपी लागत मूल्य वस्तु एवं सेवा कर प्रत्यक्ष कर आपके सामने है। इसका व्यापक क्षेत्र जो हमने विषय लिया है वो है मानव पूंजी से संबंधित शिक्षा। प्रकरण का चयन खटीमा क्षेत्र का एक गांव, क्योंकि खटीमा क्षेत्र जो है थारू जनजाति का ही एक क्षेत्र है। गांव क्षेत्र जो गांव है उसका मुड़ाबाद, उसमें हमने साक्षरता और व्यावसायिक स्थिति का अध्ययन किया है। प्रस्तावना यह परियोजना हमने खटीमा क्षेत्र के थारू भावलिक गांव मुड़ाबाग के में निवास करने वाले थारू जनजाति परिवार की शैक्षिक स्थिति व्यवसाय के अध्ययन पर आधारित है। इस वर्तमान में थारू जनजाति के इस गांव में लगभग 90 परिवार बाहुल्य खटीमा क्षेत्र के सारी बाहुल्य गाँव पूरा गाँव में थारू जनजाति की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन, उसमें नंबर दो है उक्त गांव में थारू जनजातीय परिवारों की व्यवसायिक स्थिति का अध्ययन। 6 पॉइंट है साहित्य की समीक्षा, ग्राम प्रधान के पास उपलब्ध परिवार रजिस्टर का सहयोग। 7 प्रश्न है इसमें प्रयुक्त शब्द की कार्यात्मक परिभाषा, शैक्षिक स्थिति, परिवार के सदस्यों ने कहां तक शिक्षा प्राप्त।
साथी ये आंकड़ों का संग्रह लक्ष्य समूह पूरा गांव के निवास करने वाले थारू जनजाति के 90 परिवारों का 20% परिवार शिक्षा है, स्वतंत्र शिक्षा आश्रित व्यवसाय प्रोजेक्ट उपकरण है, व्यक्तिगत साक्षात्कार बुद्धि व्यक्तिगत स्कैन आंकड़ों का विश्लेषण उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको। इसका सारांश ये निकला कि आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि गांव बूढ़ा गांव में 90 का 20% अर्थात 18 परिवारों में से कुल 60 पुरुषों में 30% पुरुष निरीक्षर, 25% जूनियर स्तर तक, 10% माध्यमिक स्तर तक, 15% उच्च माध्यमिक स्तर तक, 15% स्नातक और 5% परास्नातक तक शिक्षक सदस्य हैं। इसी प्रकार से 50 महिला सदस्यों में 40% निरीक्षर, 20% जूनियर स्तर तक, 30% माध्यमिक स्तर तक, 5% उच्च माध्यमिक स्तर तक एवं होने से परियोजना के परिणाम समग्र के परिणामों से भिन्न हो सकते हैं। संदर्भ ग्रंथ में एनसीईआरटी की कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक का सहारा लिया है। अनुलग्नक में है साक्षात्कार अनुसूची। इस सूची को हमने पाई डायग्राम के द्वारा शुरू किया है जिसमें डिफरेंट कलर लिए गए हैं महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए। जो ग्रीन कलर है वो निरक्षर को शो करता है, रेड कलर है वो जूनियर स्तर को और ब्लैक कलर माध्यमिक स्तर को। और चॉकलेटी कलर है वो उच्च माध्यमिक स्तर और ब्लू कलर है वो स्नातक स्तर। अब इसी टेबल को हमने टेबल के अनुसार ये पाई डायग्राम से शो किया है। धन्यवाद। प्रोजेक्ट बनाया है उसका चित्रण आपके सामने है। अगर आप उस कार्ड में ऐड करना चाहेंगे सुझाव देना चाहेंगे सादर हम समुचार उसके जो मेंबर्स हैं सुझाव हासिल करता हूँ। श्री एन सिंह वर्मा जी श्री राजेश सिंह मसीहा जैसे बागवाड़ा, श्री संजीव कुमार चंद्र राजकीय कॉलेज बहरी, श्रीमती आशा पांडे राजकीय कॉलेज एंड कॉलेज जशपुर। हमारी परियोजना का जो उद्देश्य है सेविंग क्षेत्र में पशुधन का अध्ययन करना, इसके साथ ही साथ सेविंग क्षेत्र में जो दुग्ध उत्पाद से प्राप्त होने के लिए जो आया है इसका अध्ययन करना। इसके लिए हमारी जो साहित्यिक समस्या समीक्षा थी इसमें हमने कक्षा 11 की जो पाठ्यपुस्तक है गांव के आसपास डेयरी उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए ताकि लोगों को अपने उत्पादों की अच्छी कीमत आसानी से बेचा जा सके। अगला है दुधारू पशुओं के अतिरिक्त कुक्कुट पालन भेड़ पालन मत्स्य पालन को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आंकड़ों के विश्लेषण में हमने मात्रात्मक रूप से विश्लेषण किया है। जैसे जीवों से 1000 आए और 1000 से 2000 तक किया है, 2000 से 3000 तक किया है और 3000 से अधिक। इस परियोजना में बात ने हमको प्राप्त हुआ कि जीवों से 1000 के बीच की संख्या 2 है और दुग्ध उत्पादों का मौद्रिक मूल्यांकन थोड़ा कठिन है, उसको अलग अलग रेट पर बेचते हैं तो आय स्पष्ट रूप से बताना संभव नहीं हो पा रहा।
और लोगों को अपनी आय बताने में इसकी चार्ज भी होती है। ये लोगों से भी पूछता है ये तुम्हारी सैलरी कितनी है, तो हम बहुत सारी चीज़ें सही से नहीं बताते, कहते बस बता दो ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है उनको अपनी आय बताने में, तो थोड़ा सा उसमें भी दिक्कत हो सकती है। और हमारा आप सभी को नमस्कार, मैं श्रीमती दीपा बोरा ग्रुप 2 से, और हम सभी आपके सामने जो परियोजना लेकर आए हैं उसका जो विषय का व्यापक क्षेत्र है वो है उपभोक्ता जागरूकता। नंबर 3 प्रस्तावना, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य व्यवसाय कृषि है, वर्तमान में कृषि क्षेत्र में लागत ज्यादा तेजी से खुलने वाले व्यक्तियों की संख्या है 35, हमारा टोटल ग्रुप है 50, और ये हमने दंड सरल दंड के माध्यम से इसको प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है। ये हमारा जो लाल रंग का दंड है वो है खाता खोलने वाले व्यक्ति, और जो हमारा हरे रंग का दंड है वो है ना खोलने वाले व्यक्ति। तो जो हमारा प्रोजेक्ट का जो हमारा उद्देश्य था कि हमने ये जानकारी प्राप्त करनी थी। करने की आवश्यकता है, आधारित होने से परियोजना के परिणाम के बैंक के दिशा निर्देश एवं नियमावली बचत खाता खोलने संबंधी आवेदन से आगे ग्रुप करते हुए आंकड़ों के संग्रह में जो प्रमुख चरों का जो उपयोग किया गया उसमें गांव की जनसंख्या एवं बचत खाता खोलने की संख्या में वृद्धि से है, रिक्त उपकरण, व्यक्तिगत साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली, प्रत्येक व्यक्ति की पृथक पृथक चेकलिस्ट, प्राथमिक संघ समन का उपयोग किया गया, बचत खाता खोलने संबंधी आवेदन ये किया है, इसमें प्रयुक्त शब्दों की जो परिभाषा है वो बैंक, बचत खाता और दस्तावेज। इसके बाद हमने जो आंकड़ों का संग्रह किया है वो जो लक्षित समूह है हमारा, हाँ चलिए
नाम होने वाले व्यक्तियों की संख्या है 35, हमारा टोटल योग है 50 और ये हमने दंड सरल दंड के माध्यम से इसको प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है। ये हमारा जो लाल रंग का दंड है वो है खाता खोलने वाले व्यक्ति और जो हमारा हरे रंग का दंड है वो है ना खोलने वाले व्यक्ति। तो जो हमारा प्रोजेक्ट का जो हमारा उद्देश्य था कि हमने ये जानकारी प्राप्त करनी थी। डालने की आवश्यकता है आधारित परियोजना के परिणाम के संदर्भ बैंक के दिशा निर्देश एवं नियमावली बचत खाता खोलने संबंधी आगे बढ़ना। बचत खाता खोलने संबंधी आवेदन ये क्या है, इसमें प्रयुक्त शब्दों की जो परिभाषा है वो बैंक बचत खाता